नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 11 और हमारी जो पाठ्यपुस्तक है अनिवार्य हिंदी की आरोह भाग एक, उसमें जो गद्यखंड है, गद्यखंड का जो पांचवा अध्याय है शेखर जोशी इनके द्वारा लिखी गई जो रचना है गलता लोहा, उसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो शेखर जोशी का जो जन्म है सन 1932 में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। प्रमुख रचनाएँ कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजियों, हलवाहा, नौरंगी बीमार हैं जो कि इनका कहानी संग्रह है, एक पेड़ की याद जो कि शब्द चित्र संग्रह है, और इनको सम्मान जो मिला है पहल सम्मान से सम्मानित किया गया है इनको। अब देखिए इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कोसी का घटवार है, साथ के लोग, दाजियों, हलवाहा, नौरंगी बीमार हैं, ये सब कहानी संग्रह इनकी, नौरंगी बीमार हैं, एक पेड़ की याद जो कि इनका शब्द चित्र संग्रह है, और इनको पहल सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब पिछली सदी का छठवां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। अब जो पिछली सदी है ना, तो उसका जो छठवां दशक है, छठा जो दशक है वो हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू कर की। अब एक साथ जो कई युवा कहानीकार थे उन्होंने अब तक जो चली आ रही कहानियाँ थी उनके रंग ढंग को अलग तरह से कहानियाँ लिखनी प्रारंभ कर दी, और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। अब साहित्य जगत का केंद्र जो है, यानी कि इसके चारों ओर ही साहित्य जगत घूमने लगा, तो इसलिए जो कहानी की विधा है साहित्य जगत के केंद्र में आ गई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। अब देखिए पहले कहानियाँ लिखी जाती थी, लेकिन जब एक वर्ग जो है, एक युवा जो कहानीकारों का वर्ग था, वो पुरानी जो कहानियाँ थी उनको एक नए रंग ढंग से लिखना प्रारंभ कर दिया और अलग ही ढंग से लिखना प्रारंभ किया, जिसके कारण से हिंदी जो कहानी है वो साहित्य जगत के केंद्र में आखड़ी हुई, और उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। अन्यतम मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण है इनका स्थान शेखर जोशी जी का। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब इनकी जो कहानियाँ ना, वो नई कहानी जो आंदोलन है उसके प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। अब जिस प्रकार से प्रेमचंद ने सामाजिक जीवन से संबंधित कहानियाँ लिखी हैं, उसी प्रकार से शेखर जोशी जी ने भी जो समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली जो विधा, यानी कि जो हैं प्रतिनिधित्व करने वाली कहानियाँ लिखी हैं, तो इसमें समाज का मेहनतकश और जो सुविधाहीन है, जिनके पास में सुविधाएं नहीं है, ऐसा तबका, ऐसा वर्ग जो है उनकी कहानी में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। निहायत सहज, बिल्कुल ही सहज भाव से लेखक जो है, जो आडंबरहीन जीवन शैली है, तो उनकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, और जो वास्तविकता है, यथार्थवादिता है, तो बारीक नुक्तों को पकड़ते हैं, ये प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। अब देखिए जो कहानियाँ प्रस्तुत की हैं इन्होंने रचना संसार से जब हम गुजरते हैं, तो समकालीन यानी कि उस समय के जो जनजीवन है उसकी बहुविध जो विडंबनाएँ हैं, बहुत सारी जो विडंबनाएँ हैं उनको महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। अब देखिए जो उनकी प्रगतिशील जो जीवन दृष्टि है और जो यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है, यथार्थ मतलब वास्तविकता का बोध है, उसका बड़ा योगदान रहा है। शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजियो पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। अब ये जो दाजियो है ना, तो इनके द्वारा लिखी कहानी थी जिसमें कि चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। अब अपने स्टार्टिंग में जो शुरुआत में आपने देखा होगा, ये देखिए लिखी हुई पंक्तियाँ हैं जो कि इनके द्वारा लिखी जो कहानी है दाजी उसमें से ली गई हैं।
अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। अब देखिए किस प्रकार से कहा है कि अपने अंदर जो घुमड़ती हुई जो वेदना है, जो पीड़ा है, उसको आंखों की राह से बाहर निकाल देते हैं, अगर अर्थात आंसुओं के द्वारा अगर बाहर निकाल देते हैं मनुष्य, और उसके बाद में मनुष्य अगर कुछ किसी चीज़ को निश्चित करता है, निश्चय करता है, तो वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होती हैं। तो ये दादाजी जो इनकी कहानी थी जिसपे फिल्म भी बन चुकी है, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ था, ये उसकी पंक्तियाँ थीं। अब जो हम पढ़ रहे हैं या हमारा जो अध्याय है जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है वो है गलता लोहा। शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गंभीर उतना ही अधिक है। अब देखिए ये जो कहानी है ना इनकी गलता लोहा, तो ये एक कहानी कला का प्रतिनिधि नमूना है जो समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली है। अब जातिगत विभाजन, अब जातिगत कैसे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार के जो जातिगत विभाजन है उनके ऊपर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली है। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गंभीर उतना ही अधिक है। अब इसके माध्यम से पता लगता है कि जो शेखर जोशी ने लेखन कार्य किया है तो उसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई बड़बोलापन नहीं है, बल्कि वास्तविक जो अर्थ गंभीर है, अर्थ की गंभीरता है, तो उसको इसमें महत्ता दी गई है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुँचता है जहाँ उसके लिए जाति अभिमान बेमानी हो जाती है जाता है। अब देखिए लेखक ने एक मुखर टिप्पणी के बगैर, यानी कि कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है, फिर भी पूरे पाठ को अगर हम पढ़ते हैं तो पता लगता है कि एक मेधावी बालक है, लेकिन वो ब्राह्मण है, निर्धन ब्राह्मण है वो, और उस युवक का नाम है मोहन, और न जाने किन परिस्थितियों में वो ऐसी मनोदशा में पहुंच जाता है कि वो जातीय जो अभिमान था उसको बेमानी समझता है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, उच्च कुल में जन्म लिया है, तो वो निम्न कार्य नहीं करेगा। तो इस प्रकार कारण कि वो जातीय जो अभिमान है वो बेमानी है उसके लिए, यानी कि उसका कोई मूल्य नहीं है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उनके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। अब जो सामाजिक विधि निषेध, समाज में विधि यानी कि जो सामाजिक कानून बनाए गए हैं कि जो ब्राह्मण है वो लोहार का काम नहीं कर सकता, निम्न वर्ग का काम नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे जो विधि निषेध जो नियम हैं उनको ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता है। ऑफर मतलब उसकी दुकान पर बैठता है और उसके साथ में उसके जो कार्य है उसमें भी वो कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह है मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। अब मोहन का जो व्यक्तित्व है ना वो जातिगत आधार पर निर्मित जो झूठा भाईचारा है ना उसकी जगह पर अब वो कहते हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण भाई हैं, सभी हम भाई हैं, है ना, तो ये इस प्रकार का झूठा भाईचारा है, तो उसकी जगह पे इसने कहा कि मेहनत कश के सच्चे, यानी कि मेहनत करने वाले जो हैं वो सच्चे भाई हैं। तो ऐसा जो भाईचारा है उसकी प्रस्तावना यहाँ पे प्रस्तुत की गई है, तो ऐसा लगता है कि जैसे लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। अब लोहा गलकर मतलब कि जिस अलग अलग आकार में हम ढले हुए हैं कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है ना, इस प्रकार के अगर हम अलग अलग ढले हुए हैं तो वह लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा है जिसमें कि सभी जो हैं समान हैं, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, और सभी के साथ में मेहनत के आधार पर जो भाईचारे की भावना है उसको इसमें लक्षित किया गया है। तो ये तो था इसका मूल भाव पाठ का, लेकिन आज अब जो हम आगे पढ़ रहे हैं गलता लोहा जो कि शेखर जोशी द्वारा लिखा गया है, जिसमें मोहन जो है इसमें मुख्य पात्र है और इसके इर्द गिर्द ही यह पूरी कहानी घूमती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गई। अब शिल्पकार जो मूर्ति निर्माण कर सकते हैं या किसी प्रकार का कोई निर्माण कर रहे हैं ना, तो उनके टोले की तरफ, उनके जो समूह हैं उनकी ओर चले गए,
उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह गूंज शेष थी। अब जो धनराम लोहार था ना, तो उसको ऑफर किया था कि तुम भी ये काम सीखो करो, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर खड़े लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़ ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ी हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। अब ये निहाई क्या है, किसे कहते हैं निहाई? तो निहाई है ना जो एक विशेष प्रकार का लोहे का ठोस टुकड़ा होता है, जिस पर लोहे आदि जो धातु उनको रखकर पीटा जाता है, उसको निहाई कहते हैं, ठीक है ना। तो निहाई पर रखा हुआ जो गर्म लोहा है, उसके ऊपर जब हथौड़े की जब आवाज़ पड़ती है, धप धप की आवाज़ होती है, और ठंडे लोहे पर जो लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले जो खाली निहाई के ऊपर जब हथौड़े की मार पड़ती है, तो उसकी खनक जो वो दूर से पहचान लेता है मोहन। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कराएगा। अब उसके हाथ में एक लंबा बेंट वाला जो है, यानी कि हत्थी वाला जो हंसुआ है, हंसुआ कहते हैं कि घास काटने का जो औजार जिसको दराती भी कहा जाता है, तो वह अपने हाथ में इसलिए लेके आया था कि अपने खेतों में जो के किनारे जो उगाई जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं उनको वो साफ कर सके। बूढ़े बंसीधर जी के बूते का यह सब काम नहीं रहा। अब बूढ़े बंसीधर हैं तो उनके बस का ये काम नहीं रहा, तो जो कि वो ऐसा काम कर सकें, यही क्या जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। अब देखिए, जो बंसीधर जी हैं वो ब्राह्मण हैं और पुरोहिताई का काम ही इन्होंने किया है। अब ये पुरोहिताई क्या होता है? पुरोहिताई होता है कि पुरोहित जो है उसका व्यवसाय। अब पुरोहित का भाववाच्य कहिए, पुरोहित कहते हैं धार्मिक कार्य करवाने वाला। धार्मिक कार्य करवाने के बूते पर ही उन्होंने अपना घर संसार चलाया था, लेकिन अब वे बूढ़े हो चुके हैं तो उनसे वो काम भी नहीं हो रहे हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। अब यजमान जो है उनकी जो निष्ठा है ना और संयम के कारण से उन पर श्रद्धा रखते हैं, अब बूढ़े हो चुके हैं वो, जर्जर शरीर हो चुका है, कृशकाय हो चुके हैं वो, अब वे उतना कठिन श्रम नहीं कर पाते और व्रत उपवास नहीं झेल पाता है उनका शरीर। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था। अब किससे? मोहन से कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्र पाठ करना था, अब मुश्किल ही लग रहा है। अब देखिए, उनके पास में उनका जो शरीर है वो जर्जर हो चुका है, बुढ़ापे की ओर अग्रसर हैं वो, तो इसी नियत से उन्होंने गहरा श्वास लेकर कहा कि आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था, अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, बूते मतलब कि अब उनसे नहीं होने वाला ऐसा। अब रुद्री पाठ क्या है कि शंकर की आराधना का एक प्रकार है ये रुद्री पाठ जो है। रुद्र शंकर को, भगवान शंकर को कहा जाता है, तो भगवान शंकर से संबंधित जो है, भगवान शिव से संबंधित जो आराधना का पाठ है, एक प्रकार की आराधना है ये। तो कहते हैं कि मुझसे वहाँ जाकर, गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्र पाठ करना मुश्किल है, और जो 2 मील की चढ़ाई है और सीधी चढ़ाई है वह चढ़ना मेरे लिए संभव नहीं है। एक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। अब बंसीधर जी कह रहे हैं, क्योंकि बंसीधर ही था ना उनका नाम, तो बंसीधर जी एकाएक कहते हैं कि एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता कि करूं तो करूं क्या। अब क्योंकि उनका शरीर जो पूरा साथ नहीं दे पा रहा है, फिर आगे देखिए, मोहन उनका से न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। अब मोहन जो है बंसीधर जी का लड़का है, और मोहन उनके आशय को न समझ पाता ऐसी बात भी नहीं है, बल्कि मोहन उनके जो आशय है उसको समझ पा रहा है, लेकिन वो अपने पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने में अभ्यस्त नहीं है और ना ही उसकी वैसी गति है।
पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। अब पिता की बातें वो सुन रही हैं, जो मोहन है वो सुन रहा है, लेकिन पिता की बातों को सुनकर भी उनके भार को हल्का करने का कोई सुझाव उसने नहीं दिया कि किस प्रकार से आप वहाँ न जाएं तो कोई और जाके वहाँ पे कर सकता है। तो कोई सुझाव नहीं दिया मोहन ने, क्योंकि मोहन को अनुष्ठान करवाने का अभ्यास नहीं था और ना ही वैसी गति थी जैसे उनके पिता की थी। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई। अब इसमें लेखक कहता है कि मोहन के पिता ने जो बात कही थी तो वह अनुत्तरित रह गई, यानी कि उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया किसी ने। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हवा के अंदर ही वो बात कह दी गई हो। तो पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। अब कुंद का मतलब क्या होता है कि उसकी जो धार है वो तेज नहीं है, तीखी नहीं है, अब धार खत्म हो चुकी है उसकी। वह पिता का भार हल्का करने के लिए खेतों की तरफ जा रहा था कि खेतों के आसपास जो घास उगी हुई है तो उसको वह हंसुए से जो दराती जिसको अपने कहते हैं तो उससे वो काट दें और सफाई कर दें। लेकिन जब उसने हाथ फेरा उस दराती के ऊपर धार के ऊपर तो वह कुंद हो चुकी थी, अवरुद्ध हो चुकी थी, अर्थात तो वो पैनी धार नहीं रही थी। धनराम अपने बाएं हाथ से ढोकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था। अब देखिए धनराम है, लोहार है ये, अब लोहार का इसमें वर्णन आ गया। तो अपने बाएं हाथ से ढोकनी फूंकता हुआ, ढोकनी चमड़े का एक पात्र जिसको कह सकते अपने लोहार या सुनार है ना, उसके आग दहकाने वाली जो लोहा या बांस की नली होती है उसको ढोकनी कहते हैं। तो ढोकनी को वो जो है फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गरम लोहे को उल्ट पलट रहा था। और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिष्ठर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पार की निगाहों से देख रहा था। अब इसमें जो है कनिष्ठर पीपा वगैरह जिसको अपने कहते हैं ना, तो वो कनिष्ठर होते हैं, तो कनिष्ठर कहते हैं हिंदी में अपने, तो कनिष्ठर के ऊपर बैठा हुआ उसकी कारीगरी जो है उसके द्वारा जो किया गया कार्य था उसको वो पार की निगाहों से यानी कि परख रहा है कि सही है या गलत है, तो उन निगाहों से वो देख रहा था। इतने में मास्टर त्रिलोकचंद जी अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। अब मोहन उससे पूछ रहा है धनराम से कि मास्टर त्रिलोक सिंह जी तो अब गुजर गए होंगे, वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई, अब क्योंकि जो धनराम है ना लोहार है लेकिन मोहन का वो मित्र है। तो जब मोहन ने पूछा कि मास्टर त्रिलोक सिंह जी तो अब गुजर गए होंगे, तो वे दोनों अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई, वह बोला माँ साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे, सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। अब वो कहता है कि मैं क्या कहूँ माँ साहब, जो माँ साहब मतलब मास्टर साहब जो हैं तो बड़े अच्छे आदमी थे, अब उनके जो हैं छड़ी का डर जो वो लगाए रहता था अभी पिछले साल ही गुजरे हैं। वो दोनों हो कर हंस दिए, अब हो करके हंस दिए मतलब कि छड़ी से दोनों का डर लगता था, वो कहते हैं कि छड़ी का डर लगता रहता था। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गई। अब ये अपनी पुरानी बातों को याद कर रही हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जो दिन है वो व्यतीत किए थे विद्यालय के स्कूल के जो हैं, और ये था हमारा भाग एक जिसका हमने अध्ययन किया है। तो आगे के भाग में हम अध्ययन करेंगे किस प्रकार से वो क्या बातचीत करते हैं और किस प्रकार से जो मोहन को जो धनराम की बातें हैं अपनी ओर आकर्षित करती हैं और वह उस ओर आकर्षित होता है। तो ये सब इन सभी बातों का जो अध्ययन है वो हम करेंगे भाग दो के अंतर्गत। तो आज हमने जो अध्ययन किया है जिसमें लेखक का जो परिचय है यानी कि जो शेखर साहब हैं, जो जोशी साहब हैं, शेखर जोशी साहब, तो उनके जीवनी के बारे में पढ़ा हमने, थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय लिया, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा और उन्होंने किस प्रकार से जो नई कहानी आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई है उसकी भी हमने जानकारी ली है।
उस पर भी हमने चर्चा की है, और किस प्रकार से उन्होंने नई कहानी आंदोलन को एक प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व किया है, और साथ ही साथ ये इनकी जो रचना है गलता लोहा, इसके माध्यम से जो सामाजिक जो भाईचारा है वो झूठा भाईचारा नहीं है, जातिगत भाईचारा नहीं है, बल्कि मेहनत का जो भाईचारा है, तो उस बात को इसमें प्रमुखता से रखा गया है, तो यह भी हमने जानने का प्रयास किया है। और किस प्रकार से जो मोहन के पिता बंसीधर जी हैं वो बूढ़े हो गए हैं, और जो पुरोहिताई का कार्य है वो पूर्ण कुशलता से नहीं कर पा रहे हैं, और वे चाहते हैं कि उनका जो पुत्र है वो उस कार्य को करे, लेकिन मोहन जो है उस बात का अभ्यस्त नहीं होता और उसके अंदर भी वैसी गति नहीं होती, और पिता के द्वारा कही गई बात ऐसा लगता है कि जैसे कि हवा में ही कही गई है और वह अनुत्तरित रह जाती है, लेकिन वह फिर भी मोहन जो है पिता के भार को हल्का करने के लिए अपने हाथ में हंसुआ लेकर खेतों की तरफ चलता है, लेकिन जब वह दरांती यानी कि हंसुए को देखता है तो उसके जो आगे के जो धार है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है, तो इसके लिए वह धनराम नामक जो लोहार है उसके पास जाता है और वहाँ उसके साथ बातचीत करता है कि मास्टर साहब अभी हैं या नहीं हैं। तो उनके बीच में जो बातचीत होती है तो धनराम कहता है कि अभी पिछले साल ही मास्टर साहब जो गुजर गए हैं, लेकिन उनकी जो छड़ी का डर लगा ही रहता था। फिर इतना कह के वे दोनों हंसने लगते हैं और वे दोनों न जाने किस दुनिया में लौट गए थे जो उनकी बीती हुई दुनिया थी। तो ये हमने अध्ययन किया है भाग एक के अंतर्गत, और कल हम करेंगे भाग दो के अंतर्गत अध्ययन कि आगे क्या होता है, किस प्रकार से उनकी जो बातें हैं आगे बढ़ती हैं। इसी के साथ ही भाग एक को समाप्त करते हुए धन्यवाद।